हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही चटपट तेल लहसुन टेस्टी खाने में, अगर आप जिस बनाएंगे अगर आप बनाएंगे तो अगर अच्छा लगेगा तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर देखिए, मैं इडली स्टैंड ले ली हूँ, उसके अंदर मैं 1 से 2 गिलास पानी डाल दी हूँ और 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर हम इसे इस सारे खाने में लहसुन डाल दी हूँ और 10 से 15 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर इस तरह से मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे तो उसके बाद ये गल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तब यहाँ पर हम गैस फ्लेम को बंद कर देते हैं और सारे लहसुन के हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे ठंडा कर लेनी है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बाउल में निकाल ली हूँ और ये अच्छी तरह से अब ठंडी हो गई है। तब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाली हूँ हल्दी पाउडर और अपना तीखा जितना खाते उस हिसाब से आप मिर्च पाउडर डाल दें। तो मैं मिर्च पाउडर भी 1 चम्मच डाली हूँ और 1 चम्मच आमचूर पाउडर और थोड़ा सा आधा चम्मच में वाइट नमक और आधा चम्मच में ब्लैक सॉल्ट भी डालूँगी, ताकि ब्लैक सॉल्ट से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सारे मसाले ऐड कर दूँगी। यहाँ से मैं 3 से 4 नींबू का जूस निकाल ली थी। आपके पास नींबू है तो नींबू का जूस डालें, नहीं तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। तो सारों को मैं ऐड कर दी मसाले के। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए, आधा कप सरसों का तेल ले लिए हैं, उसमें मैं 2 बड़ा चम्मच राई के दाने डाले हैं। तो इसका हम तड़का लगाएंगे, इस तड़के से और भी टेस्ट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम तड़का लगाएंगे और आप चाहें तो ये अभी जस्ट खा सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आप बिना दाल बिना चावल के भी आप इसके साथ चावल सान कर खा सकते हैं। चावल के साथ इतना टेस्टी लगती है ना, इस तरह से अगर आप बना के खाएंगे तो चावल और ये लहसुन का अचार बहुत टेस्टी लगती है। आपके घर में जो भी लहसुन नहीं खाते होंगे वो भी ये खाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे घर में लहसुन नहीं खाते हैं, उनको भी ये अच्छा बहुत लगा था खाने में। तो आप इस तरह से चावल के साथ खा सकते हैं सान कर। तो आपके इस ये अगर रेसिपी बनाएंगे तो इसके साथ आपको दाल सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चपाती रोटी के साथ खा सकते हैं इसको, तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है फ्रेंड। इस तरह से आप बनाएंगे तो एकदम स्टैंड अचार हमारा बनकर तैयार हो जाता है और ठंडे में तो लहसुन फ़ायदेमंद होता ही है। तो आप इस तरह से बच्चों को भी खिला सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा लहसुन का अचार बनकर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर देखिए, गला हुआ भी है लहसुन, पक गया अच्छी तरह से। तब इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। तो मैं इसे धूप में रख कर छोड़ दूँगी, किसी भी डब्बे में आप रख लें अच्छी तरह से और खाएं, एंजॉय करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।